द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स 2 में हुई ऋतिक रोशन की एंट्री शो के निर्माता के हिंट से फैंस गदगद हुए। हॉलीवुड की सबसे महंगी सीरीज में से एक द लॉर्ड ऑफ द रिंग द रिंग्स ऑफ पावर सीजन 2 ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो गई है। मच अवेटेड सीरीज में कई भारतीय सितारे भी नजर आएंगे। काफी समय से द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिंग्स ऑफ पावर सीजन 2 को लेकर चर्चा हो रही थी। फाइनली ये सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी। हाल ही में शो के निर्माता जेडी पैन ने एक हालिया इंटरव्यू में हिंट दिया है, जिससे लोग मान रहे हैं कि ऋतिक रोशन भी द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की प्रिक्वल सीरीज का हिस्सा है। दरअसल जेडी पायने ने एक हालिया इंटरव्यू में बताया कि वह हाल ही में ऋतिक रोशन से मुंबई में मिले। उन्होंने पिंकवाला से कहा कि पिछली बार जब मैं मुंबई में था तो हम ऋतिक रोशन से मिले थे, वो अद्भुत थे। अगर सही भूमिका मिले तो दरवाजे खुल जाएंगे, अवसर मौजूद है। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के निर्माता जेडी पायने ने बताया कि भारतीय अभिनेता गेवी सिंह चेरा भी सीरीज का हिस्सा है। वो सीजन 2 में मेरिमा भूमिका निभा रहे हैं। गेवी सिंह के बारे में बात करते उन्होंने कहा, मैंने सीजन 2 में भारतीय अभिनेता को कास्ट किया है और उनमें से एक है गेवी सिंह चेरा, जो बहुत शानदार है। वो कई एपिसोड्स में दिखाई देते हैं। जेडी पायने ने इसमें बहुत कुछ बताया। इस इंटरव्यू में उन्होंने काफी सारी चीजों को लेकर बात की। दूसरी ओर इस बयान के बाद ऋतिक रोशन के चाहने वाले बहुत खुश हैं। जीडी के बयान की वजह से ऐसी चर्चा हो रही है कि ऋतिक रोशन भी प्रिक्वल सीरीज में नजर आएंगे। हालांकि मेकर्स या स्टार्स ने अभी तक ऑफिशियली इसे अनाउंस नहीं किया है। सीरीज के 3 एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं। खैर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ये बहुत ही ज्यादा बड़ी सीरीज है और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहा है हॉलीवुड फिल्म की। वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फिल्म्स में से एक है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, और अब इसका सीजन 2 आया है द रिंग्स ऑफ पावर। सभी को इससे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। देखते हैं इस सीजन 2 को ऑडियंस की तरफ से कैसा रिस्पांस मिलता है। खैर, आपका इसको लेकर क्या कहना है, आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।